मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. थस वी हैव नो द ट्रीज दैट ट्रीज प्लांट्स एंड एनिमल्स बर्ड्स आर इन द इंटरगल पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वी हैव मैनी बेनिफिट फ्रॉम देम. देन ऑल्सो मैन आर रबिशली डिस्ट्रॉयड. मैन, ट्रीज, प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. टुडे we must protect these birds, plants, animals and birds so that our environment could be healthy and protected. Every link in the food chain is vital. If there is a disturbance, natural or man-made, in the number of the space or in one of the link on the top gets affected accordingly. Let's say that some man-made harmful effluents get discharge into water and kill the small fishes. The big fishes will starve out as their food diminishes. इस प्रकार हम जानते हैं कि पेड़ पौधे और जानवर पक्षी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं. ये एक दूसरे पर निर्भर हैं. हमारे पास इनके बहुत से लाभ हैं. इसके बाद भी मनुष्य ने कई पेड़ पौधे और जंगली जानवरों को निर्दयता पूर्वक नष्ट कर दिया है. आज हमें इन पेड़ों, पौधों, जानवरों और पक्षियों की रक्षा करनी होगी ताकि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे. खाद्य श्रृंखला में हर कड़ी महत्वपूर्ण है. प्रजाति की संख्या में किसी एक लिंग के कारण जो बाधा होती है उसके अनुसार उसके ऊपर स्थित लिंग प्रभावित होता है. हम कहते हैं कि कुछ लोग हानिकारक तत्वों को पानी में गिरा कर जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनको मार डालते हैं. बड़ी मछलियां तो अपने भोजन के रूप में बाहर ही रुके रह जाती हैं.